इसराइल और हमास में जारी जंग के बीच हिजबुल्ला ने इसराइल पर बड़ा हमला कर दिया है। लेबनान के ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्ला ने इसराइल पर 250 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन से बड़ा हमला किया है। हिजबुल्ला लगातार दो दिनों से इसराइल पर बड़ी संख्या में रॉकेट और ड्रोन हमले कर रहा है। हिजबुल्ला दो दिनों में 250 से ज्यादा रॉकेट इसराइल पर बरसा चुका है। हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसके रॉकेट और ड्रोन हमलों ने अब तक इजरायली सेना के 9 ठिकानों को निशाना बनाया है। हिजबुल्ला की ओर से हमले मंगलवार को इजरायली एयर स्ट्राइक में हुई हिजबुल्ला कमांडर अबू तालेब की मौत का बदला लेने के इरादे से किए गए हैं। हिजबुल्ला और इजरायल के बीच बीते साल 7 अक्टूबर 2023 से जंग जारी है, लेकिन हिजबुल्ला कमांडर की मौत के बाद यह जंग और भड़क गई है। इजरायली हमले में मारा गया हिजबुल्ला कमांडर अबू तालेब उनका टॉप कमांडर था, जिसकी मौत से हिजबुल्ला को बड़ा झटका लगा है, जिससे बौखलाए हिजबुल्ला ने इसराइल पर यह हमला कर दिया है। मंगलवार 12 जून को इसराइल की तरफ से दक्षिणी लेबनान में एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसमें कि हिजबुल्ला के सीनियर कमांडर तालेब की मौत हो गई, जिसकी पुष्टि खुद हिजबुल्ला ने की है। इसराइल की तरफ से ये हमले दक्षिणी लेबनान में किए गए थे, जिसमें हुई एक एयर स्ट्राइक में हिजबुल्ला का सीनियर कमांडर मारा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल और हमास के बीच जब से युद्ध चल रहा है, तब से इस जंग में हिजबुल्ला के इस टॉप कमांडर की अहम भूमिका थी। इसराइल पर लगातार एक के बाद एक हिजबुल्ला की तरफ से हमले किए जा रहे थे। इजरायली सेना इसका डटकर मुकाबला कर रही है। इसराइल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अभी तक इजरायली सेना ने कई ड्रोन और रॉकेट को रोक दिया है। इसराइल हिजबुल्ला से इस हमले का बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा। हिजबुल्ला अभी इसराइल पर हमले कर रहा है, लेकिन वो जानता है कि इसराइल ने इन सभी रॉकेट हमलों का उसे करारा जवाब देगा। इसराइल हिजबुल्ला को ठीक उसी तरह जवाब देने की हिम्मत रखता है, जैसे उसने ईरान के रॉकेट हमले के बाद किया था। ऐसे में अब सबकी नजरें इसराइल के अगले एक्शन पर है। टाइम्स नाउ नो भारत डिजिटल की रिपोर्ट।